नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ, मौजूद हैं सिरसा के अंदर। 18 तारीख को आगाज हो चुका है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशाल आयोजन करने जा रहे हैं, रैली होने जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली है। 9 साल के अंदर बीजेपी ने जो कार्य किए हैं, जो सौगातें दी हैं पूरे हरियाणा में, उसके लिए पहुंच रहे हैं अमित शाह और मौजूद हैं श्री गोविंद कांडा जी के पास। अगर गोविंद कांडा जी का जिक्र होता है तो एहलनाबाद उपचुनाव से, उस समय की अगर बात करें तो बीजेपी का जो स्तर था हरियाणा के लेवल पर देखें तो जीरो ग्राउंड पर था। जीरो ग्राउंड से दूसरे नंबर पर लेके आने वाले थे गोविंद कांडा, जिनके भरपूर योगदान से जो बीजेपी का ग्राउंड है हरियाणा के अंदर नंबरों के अंदर काउंट होने लगा है। तो गोविंद कांडा जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। बड़े ऐलान हो चुके हैं, लाखों का जायजा लिया जा रहा है, तो गोविंद कांडा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। सब बढ़िया जी? जी बहन जी। हाँ जी, अमित शाह पहुँच रहे हैं, विशाल रैली का आयोजन है, क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं? बहन जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9 वर्ष पूरे होने पर जो कार्य किए हैं, भारत को आज वर्ल्ड में नंबर 1 लाने पर और भारत की जो संस्कृति लुप्त हुई थी उसको ऊपर लाने पर और 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने पर, ऐसी जैसे आज रेल की बात करें या शिक्षा की बात करें या कोरोना काल में हम वैक्सीन की बात करें, तो खाली वो भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी हमारी वैक्सीन गई थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, उनका बखान करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए आज वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है मोदी जी के कारण भारत, तो उनके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी यहाँ हमारे सिरसा में आ रहे हैं। और ये 2024 लोकसभा का मिशन भी है, यहाँ से शुरुआत करने के लिए हमारे सिरसा वासियों का तो बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हरियाणा की शुरुआत करने जा रहे हैं 2024 की, वो हमें सिरसा से मिली है। और सिरसा में 18 तारीख को 4:30 बजे अमित शाह जी पहुँचेंगे, जिनके अंदर हमें अनुमान है कि 1 लाख से लोग ऊपर पहुँचेंगे। है तो एक लोकसभा की रैली, लेकिन ये राज्य स्तर की रैली बनेगी, हरियाणा लेवल की रैली बनेगी। और जो यहाँ हमने पंडाल लगाया है, जो पंडाल बनाए हैं, मंच बनाए हैं, जो हमने तैयारियाँ की है वो एक नेशनल रैली के हिसाब से की है, बहुत बड़ी तैयारियाँ की है। लोग मतलब यहाँ देखने आएंगे, सिरसा का सौभाग्य होगा कि लोग यहाँ, अमित शाह जी तो आ ही रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए, लेकिन ऐसी चीज़ें भी यहाँ होंगी पंडाल में, पंडाल बड़ा सुंदर होगा और ये ऐसी चीज़ें लोग उसको भी देखेंगे भी हमारे सिरसा के अंदर ये ऐसी चीज़ें भी आई है। कितना का आगमन मान के चलते हैं? 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख से ज़्यादा। जेजेपी बीजेपी सरकार गठबंधन में है, जेजेपी से भी सहयोग लिया जा रहा है या फिर हलोपा की तरफ से पूरी मदद हो रही है? अगर ग्राउंड की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो बीजेपी का ग्राउंड था वो हरियाणा में किसानी प्रोटेस्ट के दौरान जीरो लेवल पे था, कांडा ब्रदर ने मदद की, हलोपा ने मदद की, तो आज ये ग्राउंड है वो बन पाया है। ये वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है लगता है आपको लोगों को, लेकिन वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है, ऐसा नहीं, लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों के पास मोदी जी की जो चलाई हुई थी वो सब पहुँची है, उनके पास पहुँच रही है, तो उनका फ़ायदा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए, जो बात आपने कही है कि यहाँ 1 लाख लोग पहुँचेंगे, उसके अंदर सभी लोगों की मदद है और ये लोकसभा की रैली है, तो विधानसभा जिसके अंदर आती है, तो हम एक विधानसभा से मान के चल रहे हैं भी 10-12 हज़ार आदमी आएंगे, तो 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पहुँचेंगे। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए प्रशासन लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत बड़ी पार्किंगें बनाई है, जो हमें लगभग लग रहा है कि 2000 के लगभग बसें आएगी, 2000 गाड़ियाँ आएगी, और ऐसे इंतजाम तो उन्होंने पूरा प्रशासन ने पूरा लगा हुआ है हर तरीके से, अपने पार्किंग में भी पार्किंग लगभग हम सारी चीज़ें तैयार कर चुके हैं और उसको ग्राउंड पे भी ले आए हैं और हर चीज़ का एक नक्शा तैयार हो चुका है, ड्यूटियाँ लग चुकी है, प्रशासन की तरफ से भी लग चुकी है, हमारी तरफ से भी, हमारे संगठन की तरफ से भी लग चुकी है। गोविंद जी, जैसे कि बार बार सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है, सरपंच बहिष्कार कर रहे हैं, गांव-गांव में बोर्ड लग चुके हैं जेजेपी बीजेपी के बहिष्कार के, और कल की बात माने तो संतोष बैनीवाल रैली स्थल पर आकर चेतावनी देकर गई है कि जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो रैली में घुसने का काम करेंगे और विरोध करेंगे, इस बात को किस नज़र से लेते हैं आप? देखिए बहन जी, मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि देखिए चाहे
जितने भी सरपंच है वो मेरे परिवार के सदस्य हैं जिले के अंदर, और मैं तो सारे हरियाणा में मेरे परिवार के सदस्य मानता हूँ, लेकिन इसके लिए इनके एक निजी हित जुड़े हुए हैं। इससे हमें जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनता के कार्य चल रहे हैं, जनता को जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है, जनता को आज फ्री इलाज हो रहे हैं, जनता को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री शिक्षा मिल रही है, तो वो लोग जो जनता जुड़ी हुई है, लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियाँ मिल रही है, ये एक निजी हित में अपना कार्य कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, जनता आएगी, बहुत जनता आएगी। कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश भी की जाएगी, जैसे आपने मोर्चा संभाला हुआ है, पूरे लश्कर के साथ यहाँ आपने अपना एक डेरा लगा लिया है रैली को लेकर, क्या आप बीच में इनकी सेट करवाएंगे, मीटिंग करवाएंगे? देखिए, अगर ऐसी कोई बात हुई बीच में तो भाई गोपाल कांडा जी ने भी पहले बात करी थी, जब पहले भी हुई थी, तो ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम भी चाहते हैं कि सरकार में इनमें तालमेल होना चाहिए, भी चलो जहाँ भी कुछ बीच में ये कुछ मांग रहे हैं तो उसके बीच में या जो भी है, अगर ऐसा हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर रैली से पहले हो गया तो नहीं, रैली के बाद ये जो एक समस्या है ये बिल्कुल ख़त्म करवा देंगे भाई गोपाल कांडा जी। वैसे अगर गोविंद जी, अगर सिरसा के विकास की बात करें तो जब से गोपाल कांडा जी विधायक बने हैं, सिरसा को अनेकों सौगातें मिली हैं जिसका देन सिरसा नहीं दे सकता। अब अमित शाह की रैली है और 2024 का जो बिगल है वो सिरसा से बजने जा रहा है, तो सिरसा को और क्या सौगातें मानते हैं, सिरसा को क्या नया मिलेगा? देखिए बहन जी, लगभग 4 वर्ष में भाई गोपाल कांडा जी ने, आप हमारे 31 गाँव में जाएंगे तो लगातार निरंतर काम हो रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना के भी खराब हुए हैं कोरोना काल में, लेकिन कोई पैसे की कमी नहीं है, सिरसा के अंदर कमेटी में पैसे की कमी नहीं आई। मैं तो ये कहूँगा कि 50 साल का आप रिकॉर्ड देख लो RTA के थ्रू जैसे मर्जी करके, और 50 साल से ज़्यादा पैसे हमारी कमेटी में अभी तक खर्च हुए हैं इन 4 सालों में, और आज भी लगभग 100 करोड़ रुपये के करीब पड़े हमारे, जो अभी सिरसा शहर की एक सुंदरता के लिए, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होते कुछ प्रोजेक्ट हमारे बीच में, जैसे स्टॉर्म वाटर का, सीवर का, ऐसी कई चीज़ें जो है जो वो पूरी होने जा रही है, तो उस चीज़ों के अंदर आज हम एलनाबाद में देखो, मेरे एलनाबाद से इलेक्शन लड़ा, मेरे एलनाबाद में CM साहब ने 100 करोड़ रुपए का जो किसानों को चोपटा को एक जो सौगात दिया, जो काम शुरू हो गया, वो अन्नदाता कैसे भूल पाएंगे, वो कैसे जिन लोगों को जिनके घर में कभी अन्न नहीं हुआ वहाँ आज अन्न हो रहा है, मैं जाके आया हूँ, देख के आया हूँ, हमारे कृषि मंत्री भी गए थे, तो ऐसी चीज़ें जो मुख्यमंत्री धरातल पर काम कर रहे हैं, एक निजी हित के लिए ना जाइए। कुछ लोग बीमे की मांग करें तो बीमा मिलेगा, बीमा लेट हो जाता है, कागजी कार्रवाई है, कुछ समय लग जाता है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ सब चीज़ों से हमारे CM साहब बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसा CM कभी ना आया ना आएगा, ऐसा CM है ये बिल्कुल, मतलब जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो हरेक हरियाणा को और एक बच्चे बच्चे को अपना परिवार समझता है, ऐसा CM है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, मीनू बेनीवाल भी शामिल हो सकते हैं, एक नेहा चेहरा मिल सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड में नंबर वन है, और जहाँ भी जो भी आएगा हम उसका स्वागतम करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनको भी परिवार की तरह मानेंगे, तो हम सबका स्वागतम करते हैं। अभी हमारे मीनू बेनीवाल जी भी आ रहे हैं, और भी बहुत जिले के लोग ऐसे आएंगे और हरियाणा के लोग आएंगे, आप देखना समय बहुत है, आते आते रहेंगे, तो बहुत लोग शामिल होंगे। गोविंद जी, लास्ट सवाल, सिरसा को करोड़ों रुपए की सौगातें मिली, कितना बजट मिला है, अगर अब भी अगर सिरसा के धरातल पर जाएं तो भ्रष्टाचारियों के भ्रष्ट के कारण आज जो डबली रोड के सड़क के हालात हैं, जो बीच वाली सड़कों के हालात हैं, करोड़ों रुपए की रैली हो रही है, नहीं, इतना बजट हो रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब एक ड्रेनेज सिस्टम चलता है और गहराई का ड्रेनेज सिस्टम होता है, क्योंकि आपको देखिए, मैं बताता हूँ आपके ऊपर, आप जिस सवाल पे जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि सड़क पट गई, पाइप डल गई, सड़क क्यों नहीं बन रही, तो उसका एक समय होता है कि जब एक हैवी ड्रेनेज सिस्टम गहराई का लगता है तो उसको 2 साल हमारा बरसाती पानी के बाद सड़क को बनाई जाती है। अभी आपने देखा कि 25 साल के बाद 30 साल के बाद रानिया रोड 4 बार नीचे बैठ गई, तो बड़ा कांड घट सकता है, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है। और अभी ये स्टॉर्म वाटर है, सीवर लाइन है, अभी जैसे आपने अखबार में पढ़ा होगा 10 दिन पहले भी, काफ़ी जगह सीवर लाइन डल रही है, ऑटो मार्केट में डलेगी, रानिया रोड पर डलेगी, काफ़ी शहर में डलेगी, पाइप पानी लाइन भी नई डल रही है, तो हम ये सारा प्रोजेक्ट, मेरे पास कमेटी में 100 करोड़ रुपया पड़ा है, नया नक्शा मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं भी स्टॉर्म वाटर जो हमारा है ये पूरा डल जाए, भी स्टॉर्म वाटर भी पूरा नहीं डला है। अभी आपने देखा होगा 40 साल से अग्रसैन कॉलोनी में 4 फुट पानी खड़ा होता था, स्टॉर्म वाटर आने के बाद मुझे बताओ अग्रसैन कॉलोनी के, आप किसी के घर में चल जाओ, अगर एक भी आदमी आपको ये कह दे कि यार पानी था 1 इंच भी,
तो ऐसी चीज़ें मिलेगी शहर में, समय लगता है। लोगों ने कि जो अफवाह फैला रखी है ये वो, ये गलत है, बहुत काम है और बहुत पैसे हो रहे हैं, ऐसा काम ऐसा कभी नहीं हुआ, समय लगता है थोड़ा सा, सब हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी, जिन्होंने पूरे विस्तारपूर्वक इस रैली के बारे में बताया कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ेंगे और एक नई चाहत है, नई उमंग है अपनी मंत्री को देखने के लिए, जो 9 साल के अंदर विकास हुआ है। सुरक्षा को लेकर भी बोले हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।